नमस्कार, मैं हूँ केशव आनंद और तकरीबन लोकसभा चुनाव के आधे से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है और पांचवें चरण में सीतामढ़ी में मतदान होना है 6 मई को। आइए जानते हैं क्या है इस बार सीतामढ़ी के लोगों का मूड, क्या है मूड, किस आधार पे करेंगे, जो गरीबों के विकास करेंगे उनके लिए हम लोग मतदान करेंगे, जो इलाज के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छी सड़क देंगे उनके लिए मतदान करेंगे। और हम तो सवर्ण हैं और हम लोग को तो इस बात से खुशी हो रही है कि हमारे उपेक्षित गरीब सवर्णों के लिए जो व्यवस्था दी जा रही है उसमें और अच्छा सुधार किया जाए ताकि हमारे गरीब सवर्ण को भी एक अच्छा जगह मिल सके। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। सवर्णों में खास खुशी है, क्या है इस बार, क्या रहेगा जनता का मूड, सीतामढ़ी की जनता का मूड किस आधार पर? विकास का मुद्दा है इस बार, क्योंकि हर जगह नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास हुआ है और जहां बिजली नहीं थी, जिस गांव में बिजली नहीं थी उस गांव में नरेंद्र मोदी के माध्यम से बिजली पहुंचने का काम हुआ है और 22 घंटा लाइन बिजली की सुविधा है हमारे जिले में। और इस बार का मुद्दा राष्ट्रवाद का भी रहेगा, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का। हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी जी को वोट करेंगे। पर्यटन, सीतामढ़ी की पर्यटन का वो दर्जा नहीं मिला सीतामढ़ी की धरती को, सीतामढ़ी को अब तक वो दर्जा नहीं मिला है, तो क्या किस आधार पर पर्यटन नहीं चाहिए सीतामढ़ी को? पर्यटक के क्षेत्र में उस दर्जा नहीं मिला है। मेरे यहाँ से जो कैंडिडेट है माननीय सुनील कुमार पिंटू जी, उनसे उम्मीदें है कि सीतामढ़ी से जीत के जाएंगे। तो पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, उनको अनुभव है। और वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा रामायण सर्किट से सीतामढ़ी को जोड़ दिया भी गया है। ये एक विदेश में घर बनाए वो ये एक उपलब्धि है सीतामढ़ी के लिए। लेकिन सुनील कुमार पिंटू जी से पर्यटन के क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही सीतामढ़ी की जनता को अपेक्षा है, उनको पूरा कर पाते या नहीं। क्या क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? सीतामढ़ी विकास, विकास चाहिए सीतामढ़ी में। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी के रूप में देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। सीतामढ़ी में पिंटू नहीं चाहिए, माधव चौधरी चाहिए सीतामढ़ी में, नहीं अर्जुन चाहिए न पिंटू चाहिए, माधव चौधरी चाहिए सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी का जो बुनियादी मांग वो रोजगार है, यहाँ का पर्यटन है और निश्चित तौर पे पिछले उम्मीदवार हैं, पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया? पर्यटन मंत्री जब थे उस समय जो उनको बजट मिला था उसका 25% तो वो सीतामढ़ी में ही लाए थे, ये विषय भी समझने की जरूरत है। यह मांग जो है निश्चित तौर पे यहाँ का है और उसको सुनील कुमार पिंटू पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल ही राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा। निश्चित तौर पे एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री, जिसका कि पूरा का पूरा परिवार घोटाला में रहा, वैसा नहीं चाहिए हमको। आतंकवाद, भ्रष्टाचार पे मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी को ही हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या होगा मुद्दा इस बार सीतामढ़ी में चुनाव? विकास का जो यहाँ पर काम किए उन्हीं को मिलना चाहिए। कौन नरेंद्र विकास का? नरेंद्र मोदी का विकास हुआ है यहाँ, नीतीश कुमार का हुआ है। हम लोग नीतीश कुमार के विकास को देखते हुए हम लोग नीतीश कुमार को वोट करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस चीज का आधार होगा? विश्व का मानचित्र नरेंद्र मोदी ही ला सकते हैं, इसलिए इस बार भी जो है नरेंद्र मोदी जरूरी है देश के प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। सीतामढ़ी के लोगों का क्या है मुद्दा, मतलब यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ सीतामढ़ी का समस्या तो है ही, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा। मोदी जी शुरू से बोलते आ रहे हैं कि अगर टूरिज्म के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक भुजा वाला भी कमाएगा, एक बादाम वाला भी कमाएगा, सभी को रोजी रोजगार बढ़ेगा। इसलिए बिहार में जो टूरिज्म की बात है, इसमें सीता माँ का जन्म स्थली है, अगर टूरिज्म के क्षेत्र में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सीतामढ़ी के लोगों को बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी और हमारा सीतामढ़ी खिलखिला उठेगा। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आज जो समस्या है, आज हमारा जो चुनाव है वो राष्ट्र और राष्ट्रद्रोही, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। जब JNU में नारा लगा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसी के 3-4-5 दिन बाद राहुल गांधी कन्हैया कुमार को पीठ थपथपाने चले जाते हैं, हम क्या समझे कि वो देश के साथ है या वो देश के विरोध काम कर रहे हैं? आज जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, कल मैं मीडिया में देखा कि उनके पास
भारत का नागरिक हाँ ये नहीं है ये साबित करना पड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूं? दिलवा सकते क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए, किस मुद्दे पे होगा चुनाव? चुनाव का मुद्दा विकास अभी मैंने तो उसको साइड में रख के हम लोग अभी देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश का स्वाभिमान की बात है, इसलिए बीजेपी के साथ और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग को सिर्फ यहाँ से सीट गिना मैंने एक एक करके पूरा के भेजना है वहाँ। बीजेपी स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उससे नाखुश है क्या? नहीं, स्थानीय उम्मीदवार से नाखुश खुश की बात नहीं, अभी देश की बात है, तो अभी उनको जिता के यहाँ से बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से जिता के सुनील कुमार पिंटू को। सीतामढ़ी में क्या होगा चुनावी मुद्दा? देखिए सीतामढ़ी सबसे बड़ी बात है कि देश का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है, और देश में सबसे बड़ी बड़ी बात है कि राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए, 125 करोड़ जनता की बात होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों का विकास किया, रेस्ट लोगों का विकास नहीं किया। आज देश ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ शांति की जरूरत है, जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है, राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का बात है, देश की एकता की बात है। तो हमारे जहाँ तक मेरा जो सुझाव है, यहाँ से जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं अर्जुन राय, वो पिछले बार भी पिछले 5 साल पहले वो सांसद थे, उन्होंने यहाँ बहुत विकास किया और विकास के नाम पर उनको वोट मिलेगा, और जो देश की जो स्थिति बनी हुई है और इसमें पूरा देश आज राहुल गांधी की ओर देख रहा है। राहुल गांधी जी ने जो वादा किया है गरीबों के उत्थान के लिए और न्यूनतम आय के लिए, उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनको 6,000 रुपया प्रति माह हम देंगे, अरे वर्ष में हम 72,000 रुपया देंगे। हमें पूरा भरोसा है यदि उनकी सरकार बनती है यहाँ महागठबंधन के कानून हटाने की बात उन्होंने की। देखिए और सबसे बड़ी बात है यहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव में पहले हम लोग ये देखना कि अर्जुन राय को हम लोग हाथों को मजबूत करें, ये जीत कर जाएंगे, वहाँ राहुल गांधी को हाथ को मजबूत करेंगे, देश को प्रधानमंत्री होंगे। और उन्होंने जो वादा किया है पिछले बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, हम काला धन वापस लाएंगे, इन्होंने न काला धन वापस लाया न 15 लाख रुपया इन लोगों ने दिया। प्रत्येक वर्ष इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने रोजगार नहीं दिया। लेकिन हमको पूरा भरोसा है मैंने राहुल गांधी जी पर, अगर वो प्रधानमंत्री का बनते हैं या देश का या महागठबंधन का कोई भी दूसरा आदमी प्रधानमंत्री बनता है, तो निश्चित रूप से गरीबों का उत्थान होगा, गरीबों का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता के रूप में वो काम करेंगे और देश पुनः सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के रास्ते। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये लड़ाई 5 साल बनाम 60 साल की लड़ाई है। 60 साल में जैसे राहुल गांधी के खानदान ने राहुल गांधी के परिवारवाद किया और जिस प्रकार देश को एकदम बदतर स्थिति की ओर ले गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी एकदम अच्छे काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हम लोगों को केवल विकास गिनाना है, इतना विकास हुआ है कि केवल विकास को बताना है और जनता के दरवाजे तक जाना है और वोट मांगना है और पिंटू जी को जिताना है। हुआ है, आगे भी विकास होगा, जो कुछ बचा उचा है हमारे पिंटू जी का भी विकास होगा क्या? 100% विकास होगा, ठीक है। और एक बार मोदी जी को चांस दिया जाए, 5 साल में कोई कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है, बोलने के लिए कोई कुछ बोल दे। आज राहुल जी बोल रहे हैं कि 72,000 रुपया या 6,000 रुपया हम पर मंथ आपके खाता में डालेंगे, ठीक है। मोदी जी ने बोला, उन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान का समस्या है, हमारे बॉर्डर का समस्या है, हमारे जवान मरते हैं, तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जवान तो ऐसे ही मरते रहते हैं, हम यहाँ चैन का ज़िंदगी लेते हैं, चैन से सांस से ज़िंदगी लेते हैं, और वहाँ जवान जो है मरते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं कि गिनती कराओ। तो गिनती कराने के लिए मैं दिग्विजय सिंह को स्पेशली बोलूँगा कि आप हेलीकॉप्टर में लटक के जाएँ और जितना लाश गिरा है वो गिनती करें, और हम लोग 300+ से जीतेंगे पूरे भारत में। सेना से सबूत मांगने पर भी नाराजगी है, क्या सीतामढ़ी का क्या होगा मुद्दा? विकास मुद्दा और अच्छा ही होगा। मंत्री के रूप में सब नरेंद्र मोदी को ही चाह रहे हैं, हालांकि समस्याएं बहुत है सीतामढ़ी की, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में लोग नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। केशव आनंद, बिहार तक, सीतामढ़ी।